हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और स्वागत है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। और देखिए, आज घर में जो है तोड़फोड़ शुरू हो ही गई। मैं आपसे कई दिनों से कह रही थी ना कि कुछ में कुछ प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये जो हिस्सा है सारा का सारा डैमेज हो गया है, तो इसको ठीक कराने की बात चल रही थी। तो अब जो है आखिर में फैसला ले लिया गया कि जो है इधर का हिस्सा सारा एक बार खुरच के और फिर से इसमें प्लास्टर करके फिर जो है सफ़ेदी करवा देंगे। तो कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे। कभी फिर जो है मौका लगेगा तो फिर जैसे भी करेंगे। तो बस मैं बना लेती हूँ इसी बीच में खाना वाना, क्योंकि तो खाना भी बनाना है और जो है तो बाकी के सारे काम भी करने ही होते हैं। घर में काम चल रहा है और आज सब्जी मेरे पास कुछ नहीं है बनाने को। एक पपीता रखा है, मैंने कहा चलो आज इस पपीते को बना लेती हूँ, लेकिन ये पपीता छिलने में ना बहुत ज़्यादा कड़ा हो रहा है। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं गलेगा भी या नहीं गलेगा, बड़ी मुश्किल से छिला जा रहा है। क्योंकि एक तो ये टेढ़ा मेढ़ा सा अजीब सा ही है, क्योंकि उसके पास थे ही नहीं, तो बस यही ऐसा रखा था। तो चलो मैंने कहा थोड़ा ले लेती हूँ, चलो टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो इसको छिल रही हूँ मैं, छिलने में बड़ी मुश्किल से मतलब इसके छिलके निकल रहे हैं। और फिर छिल के फिर इसे बना लेती हूँ। और बाहर चल रहा है काम, और जो है देखते हैं फिर सफ़ेदी वगैरह क्या होती है, कैसे होती है, क्या होता है, तो फिर कर लेंगे वो भी करना होगा। तो अभी तो फ़िलहाल यही काम हो रहा है। और फिर ये सूखेगा, दो चार दिन तराई वगैरह होगी फिर सूखेगा। तो मुझे लग रहा है नवरात्रों के बाद ही पुताई करेंगे घर में। और इसको पपीते को छीलने में ना बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बहुत देर से छिल रही हो। तो मैंने फिर थोड़े स्पीड जो है इसकी बढ़ाई है वीडियो की, नहीं तो पता नहीं कितनी देर और लग जाती है इसमें। और अभी आज नहाने धोने का भी कुछ सिस्टम सारा गड़बड़ गड़बड़ वगैरह हो रहा है, क्योंकि ये लोग सुबह ही आ गए थे और कई दिनों से बात चल रही थी आजकल आजकल करके। तो फिर इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था कि आ ही जाएंगे और फिर काम हो ही जाएगा, तो इसलिए भी होता है ना कई बार। तो बस छिल गया बड़ी मुश्किल से। अब मैं इसे काट रही हूँ, और काट के ना काटने में भी ये टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो काटने में भी प्रॉब्लम सी हो रही है। तो मैंने कहा चलो अब काट तो रही हूँ, बनेगा नहीं बनेगा वो देखा जाएगा। ऐसा करूँगी इसे कढ़ाई में ना बना के कुकर में बना लूँगी, कुकर में बनाऊँगी तो जो है जल्दी से बन जाएगा और क्या है। तो बस काट के, और प्याज वगैरह कुछ डालना है नहीं इसमें, और जीरे से तड़का लगा दूँगी और बना देती हूँ ऐसे ही। और थोड़ा सा अमचूर डाल दूँगी, थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, और बना लेती हूँ फिर इसके साथ ही रोटी। क्योंकि काम भी ऐसी ऐसे आज होने हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह भी नहीं धुलने हैं, कुछ भी नहीं होना है। और खाने का काम भी यही है कि भाई मेरा बिल्कुल फ्रंट में ही है, तो धूल मिट्टी का काम भी होता है। अभी भी मैं कमरा बंद करके जो है सब्जी वब्जी काट रही हूँ, लेकिन फिर भी शाम तक ऐसा हो गया था ना घर की, मतलब कह नहीं सकती। कल मैं इसी वजह से वीडियो भी नहीं डाल पाई थी, तो यही था रीज़न। और अब मैंने कहा चलो नहाने धोने का काम तो यह है कि बाद में जब ये लोग चले जाएंगे, आज शाम के टाइम में चले जाएंगे, उसके बाद जो है दोबारा से नहाना धोना हो जा ही जाएगा। क्योंकि कितनी भी सफाई कोई भी कर ले, लेकिन हर कमरे में मतलब धूल जो है पहुँच जाती है, और फिर जो है सारे काम करने ही पड़ते हैं। तो फिर नहाना धोना दोबारा से होना मतलब करना ही पड़ता है दोबारा से। तो बस चलती हूँ मैं रसोई में, और आप एक बार फिर देखिए कितना काम हो गया है। देखिए ये देखिए सारे तोड़ फोड़ करके यहाँ जो है मिस्त्री जो है प्लास्टर कर रहे हैं, और उधर जो मज़दूर है वो अभी भी काम पे लग रहे हैं। और इधर देखिए सारा का सारा ये जो है सारे छेद वेद जितने भी चीज़ें थी, क्योंकि सीलन इतनी बुरी चीज़ है ना कि कितनी बार भी करा लो तो फर्स्ट वर्ष भी सारा कुछ निकल चुका था। तो इसी वजह से ना फिर सारा का सारा इस तरीके से ऊपर करके देख रहे हैं, नहीं तो फिर अगली बार तो यही होगा कि अगर ये ख़राब हो जाएंगी दीवारें दोबारा से, फिर तो टाइल ही है इसका एक लास्ट मतलब वो। और टाइल भी मैंने सुना है कि भाई जितना जितना टाइल लगे उसके बाद ऊपर से जो है फिर से लनानी शुरू हो जाती है। तो लग रहे हैं ये बेचारे काम करने में, और ये लोग भी लंच वंच करेंगे। तो उसके बाद जो है मैंने भी कहा चलो मैं भी इतनी देर में फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आवाज़ भी आती रहती है और कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं। तो मैं भी आ गई हूँ रसोई में, और मैं देख रही हूँ कुकर साफ़ है या नहीं है, क्योंकि धुलने के बाद भी मुझे डाउट सा रहता है। तो मैं कुकर में इसे बनाऊँगी इसलिए क्योंकि मुझे काटने में टाइट बहुत लग रहा था ये। तो मैंने कहा इसको कुकर में बनाती हूँ, कढ़ाई में इसको बहुत देर लग जाएगी, इतने में इतनी सारी गैस जो है वेस्ट होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बस
इसमें डाल दूँगी जीरा और जीरे के साथ ही इसे छोंक देती हूँ, और जो है बाद में इसमें थोड़ा सा अमचूर और डाल दूँगी जिससे ना इसमें खट्टापन आ जाए। तो बस सब्ज़ी भी धुल चुकी है और तेल गर्म होने की वो हो रही है, और बिल्कुल भी आज ना वीडियो बनाने का बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये लग रहा है कि कहीं मिस्त्री वगैरह अंदर को ना देख रहे हों तो ये सोचेंगे कि पता नहीं क्या कर रही हैं। तो इसी वजह से जो है थोड़ा इसी वजह से थोड़ा गड़बड़ तो रहती ही रहती है। तो फिर भी कोशिश करके मैंने, जब वो लोग लंच पे गए तो मैंने फटाफट से, क्योंकि लेट तो हो ही चुकी थी, तो उनके जाने के बाद ही फटाफट फिर जो है सब्जी छौंकी। और आपको पता ही है मेरा रूटीन क्या रहता है, सब्जी छौंकना और साथ साथ ही रोटियाँ बना लेना, यही मतलब मेरा काम फटाफट से हो जाता है। तो यही मैंने किया और उसके बाद फटाफट से सब्ज़ी बनाई, प्रेस को रखा, इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसे पकने छोड़ दिया। 3-4 सीटी मैंने इसमें लगा दी और बस ये बस अब डाल देती हूँ इसमें नमक मिर्च हल्दी, चटपटा सा बनाऊँगी थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि ना स्वाद मुझे तीखा तीखा सा लगता है। तो बच्चों से तो बोलती हूँ तुम ये नहीं खाते, तो ये सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे भी नहीं अच्छी लगती। तो बस यही होता है कि हम दूसरों को कहते हैं, कई बहुत सी चीज़ें खुद भी नहीं खाते। अभी भी मैंने आपने देखा होगा कि मेरे पीछे की तरफ से आज वो दिख रहा है, क्योंकि दरवाज़ा कर रखा है मैंने बंद, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है और देख रही हूँ कि वो कुछ शायद वो मुझसे पानी मांग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो उनको पहले पानी दे देती हूँ, क्योंकि वो लोग खाना खाने बैठे हैं ना, तो इस वजह से जो है मैंने कहा चलो पानी दे के आती हूँ। तो मैं उनको पानी देने चली गई थी और उसके बाद वो थोड़ी देर खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, इतनी देर में मेरा रसोई का काम सारा हो जाता है। तो यहाँ मैं तेल गैस को ज़रा कम कर गई थी, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो इतनी देर में मेरा तेल जो है मतलब जल जाए, मतलब फूक जाए। बस उनको दे के आ गई थी जो है पानी पीने का, और यहाँ मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और थोड़ा सा डाल दिया है पानी कि अच्छे से पक जाए, और फिर इसको एक बार अच्छे से कर देती हूँ कि सारा मसाला इसमें वो हो जाए, और फिर मैं इसमें लगा दी सीटी। तो क्योंकि छोटे वाले उसमें ना सीटी आती नहीं है, तो इसमें जो है सीटी इसी में ही लगाऊंगी, क्योंकि अगर उसमें मुझे कोई उसमें पता नहीं चल पाएगा फिर कितनी देर उसको पकाना है क्या पकाना है, तो इसमें तो 4-5 सीटी आ जाएंगी तो मैं निकाल दूँगी। और इसी के होते होते मैंने कहा चलो फटाफट से जो है मैं बर्तन जो है मेरे धो लेती हूँ, जो भी सामान यहाँ पे रखा हुआ है, और उसके बाद फिर जो है फिर मैं रोटी में फिर बनाऊँगी, क्योंकि बर्तन का काम कर लो, जितनी देर में बर्तन धोऊँगी उतनी देर में जो है मेरी सब्ज़ी मतलब कुकर में इतनी सारी सीटियाँ आ जाएंगी, 4-5 सीटियाँ आ जाएंगी, तो मैं मतलब मुझे लग जाएगा कि हाँ ये अच्छे से गल गया। बस यही हुआ। और ये चाय वाय के बर्तन हैं और जो है सब्ज़ी मैंने काटी थी उसके बर्तन वगैरह और चक्कू वगैरह ये सभी कुछ हो जाते हैं, और बस इनको धो लेती हूँ फटाफट और फिर जो है खाना बनाऊँगी। तो जब तक बाहर काम भी शुरू हो जाएगा तब तक मैं जो है रसोई से मतलब फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि दिन भर ऐसे ही रहता है जब घर में काम चलता है ना, तो और फिर जो है ये जो जिस हिस्से में काम हो रहा है वो मेरे मतलब उसमें आता है सारा का सारा, तो मेरा तरफ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, क्योंकि रेत भी ये भी, और फिर उसको खुरचना होता है, जब उसको खुरचते हैं या तोड़ फोड़ करते हैं तो सारी गंदगी मतलब लाख कोशिश कर लो उसके बावजूद भी कहीं ना मतलब अंदर कमरों तक पहुंच ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने कर लिए बर्तन वगैरह साफ, और लोटे का पानी थोड़ा बहुत था मैंने फेंक दिया, मैंने यहाँ साफ़ कर दिया, और जो है चाकू भी उसमें रख दिया धो के, और यहाँ पर अच्छे से कर देती हूँ कपड़े से साफ, क्योंकि यहाँ पर सूखा रखने में मुझे अच्छा लगता है, गीला रखा रहता है तो बड़ा अजीब अजीब सा लगता है, तो यहाँ पे मैं हमेशा सूखा रखती हूँ बर्तन धोने के बाद, जो है ये लगता है कि हाँ यहाँ पर सूखा हो जाए तो थोड़ा रसोई ना अच्छी सी लगती है। बस यही मैंने हैंड वॉश किए और सब्जी में भी कई सीटियाँ आ गई हैं, और अब जो है मैं बनाऊँगी रोटी फटाफट, और तो सीटी को भी दबा देती हूँ। ये देखिए अब जो है स्टार्ट करती हूँ मैं रोटी बनाने का काम, मैंने रख दिया है तवा चूल्हे में, और ये चकला वेला निकालती हूँ। देखो यहाँ जगह मैंने परसों ठीक किया था, अभी फिर ये फिर सारा का सारा फिर ऐसे ही होने लगा है, क्योंकि बर्तन सुखाने की वजह से यहाँ रखने पड़ते हैं, तो फिर जो है फिर ये जगह फिर सारी की सारी वैसी हो जाती है। और चकला वेलन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से,
कप मसाला किन सही। और यहाँ जो है ये जो मसालदानी वगैरह है ये है सब रखने को तो रख दी जाती है, बस ये पोलोथीन का डिब्बा है। और क्योंकि पोलोथीन का डिब्बा भी मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है क्योंकि अगर ढक्कन वगैरह वाला रखते हैं ना, मैंने पहले ऐसे रखा हुआ था तो उसको कोई चीज़ हटा देती है या हट जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जो है किसी ने इसमें मतलब कोई इसमें चलाना गया हो, जैसे चूहा वगैरह या कोई और चीज़ वगैरह, तो इसलिए मैं ये फिर टिफ़िन बड़ा टिफ़िन मुझे गिफ्ट में मिला हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसको पोलोथीन के यूज में ही निकाल लूँ। और फिर जो है मैंने इसी को ही मतलब पोलोथीन रख के है कि इसमें पोलोथीन रोज़ तो नहीं मतलब वो करा जाता क्योंकि हाथों हाथ रखने से और आटा ख़राब होने का डर रहता है, तो इसी वजह से जो है 2-3 दिन के बाद में फिर इसको आटे में रख देती हूँ और इसमें नया पोलोथीन रख देती हूँ। तो इसी तरीके से चलता है मेरा। और स्टार्ट कर दिया मैंने रोटी बनाना और ज़्यादा मतलब देर तक इसे मैंने वीडियो मतलब कितनी भी मतलब स्लो कर लो मतलब कितनी भी स्पीड बढ़ा लो फिर भी 3 मिनट की हो ही जाती है। आज मैंने कोशिश करा है कि मैं इसे बहुत कम टाइम की बनाऊँ क्योंकि मेरे पहले की 2-3 वीडियो में बहुत मतलब कम जो है वो आए हैं, व्यूज़ वगैरह आए हैं, और इसी वजह से मन भी नहीं कर रहा था वीडियो डालने का क्योंकि भाई जब हम इतनी मेहनत करने के बाद वीडियो डालते हैं कोई देखता नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है। तो खाना वाना बन के हो गया तैयार। ये देखिए बहुत अच्छी बनी है पपीते की सब्ज़ी, बिल्कुल देखने में ऐसा लग रही है जैसे घी की सब्ज़ी हो कि ऐसा नहीं है। आ जाइए फ्रेंड जल्दी से आप लोग भी खाना खाने। तो ये है दोपहर बाद का सीन जो है काफ़ी उन्होंने यहाँ काम कर लिया सारा का सारा। और ये देखिए बाहर तक का भी सारा मतलब यहाँ भी सारा मतलब कर दिया। बाहर मैंने गैलरी में सब रखे हुए थे वहाँ भी थोड़ी बहुत टूट फूट थी तो वो भी ठीक करवा दी है। और बाकी यहाँ सारा का सारा सीमेंट हो गया है, बस काम तो हो जाया। यहाँ पर जो है 1-2 दिन का लगेगा तो सही कि छिड़काव हुड़काव करने में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन सब मिलाकर सारा काम ठीक ठाक से हो रहा है। और आज ही मुझे लगता है टूट फूट आज ही पूरी हो जाएगी और जो है शाम तक ये लोग फ्री भी हो जाएंगे। और फिर जो है शाम के टाइम फिर भी देखिए इन्होंने जो है सारा अंदर का काम निपटा के बाहर गैलरी में भी कुछ थोड़ा बहुत रह गया था तो उसको भी मतलब इन्होंने कर दिया है। मैं बहुत उससे मतलब क्योंकि अच्छा नहीं लगता हर किसी को कि भाई हमारा फ़ोटो बना रही है या हमारी वीडियो बना रही है, हर किसी की इमेज होती है अपनी अपनी, तो इस वजह से थोड़ी वीडियो लेते वक्त इस तरीके की वीडियो आई है। तो फ्रेंड्स सारा का सारा काम हो गया पूरा। और आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और देखिए घर को ठीक करने का बहुत प्रयत्न चल रहा है और बताइएगा आप लोग कि कैसे मतलब आपको मेरा वीडियो लगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और जो है इसी तरीके से आप लोग जब तक हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये देखिए सारा का सारा आज का मैंने आपको दिखाया है और सारे के सारे यहाँ रख दिए हैं मैंने छिड़काव करने के बाद। ओके फ्रेंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।